नमस्कार, मेरा नाम राकेश मिश्रा है। मैं एमए सीएचएस का छात्र हूँ। आज मैं यहाँ पे हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट का एक जो फील्ड केस है सेक्युलरिज्म का, उस पर एक पेपर प्रेजेंट करने आया हूँ। तो मतलब कार्यक्रम, ये जो टॉक है, इसका शुरुआत मैं ऐसे करूँगा कि यूजुअली जो हिस्टोरियंस हैं वो इस इंसिडेंट को ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि ये कोई क्लास स्ट्रगल है, या फिर जो एक जो गरीब पीसेंट हैं वो लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट में जंग लड़ रहे हैं, तो इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, जो कि सच्चाई इससे पूरी की पूरी अलग है। तो मैं शुरुआत ऐसे करना चाहूँगा, पहले आपको बताना चाहूँगा कि मोपला क्या होते हैं, मोपला और मालाबार का क्या कनेक्शन है, सच्चाई क्या है, और पहले क्या था, और टीपू सुल्तान के मालाबार में प्रवेश के बाद क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या क्या बदली हैं, क्या क्या बदलाव आए हैं, और कैसे टीपू सुल्तान ने वहाँ पे एक रेडिकलिज्म, एक्सट्रीमिज्म और रिलीजियस फैनेटिज्म को बढ़ावा दिया, जिसके कारण लगभग 100 से 200 साल तक वहाँ के जो हिंदू कम्युनिटी हैं उन लोग को परसिक्यूशन झेलना पड़ा था। तो जैसे मोपला, अगर आप नाम सुनते होंगे तो मोपला दो शब्दों से मिलकर बना है, माँ और पिल्ला। मतलब जो वहाँ का जो लोकल वर्ड है उस वो माँ पिल्ला ही है, यानी जो वहाँ की जो लोकल हिस्ट्री है, मालाबार हिस्ट्री है, जो मलयालम में है, जिन्होंने भी किताबें लिखी हुई हैं उसके ऊपर, उसमें उस रिवॉल्यूशन को या उस रेबेलियन को माँ पिल्ला करके ही बताया जाता है। माँ पिल्ला दो शब्दों से मिलकर बना है। माँ पिल्ला का अर्थ होता है दमाद, सन इन लॉ। अब इसका स्टोरी भी थोड़ा सा एक ट्रेड और कॉमर्स से रिलेटेड है। थोड़ा सा हल्का सा मैं पीछे ले जाना चाहूँगा, 8th और 19th सेंचुरी की बात है, जब इस्लाम हमारे भारत वर्ष में प्रवेश करता है, तो उसका प्रवेश साउथ इंडिया से होता है। पहले वो साउथ इंडिया में आता है, कोस्टल एरियाज़ में, वो अपनी जड़ें मजबूत करता है एज अ ट्रेडर्स एंड कॉमर्स के ट्रेड और कॉमर्स के माध्यम से, अपने आप को वहाँ एजेंट की तरह वहाँ पे स्टैब्लिश करता है। लोकल जो राजा हैं उनसे बहुत एग्रीमेंट साइन करके वहाँ पे अपने फुटहोल्ड जमा करता है, और वहाँ से अपने विचारों का प्रचार प्रसार करना चालू करता है। यहाँ पे ऐसे बताया जाता है कि मतलब हम लोगों को हिस्टोरियंस ऐसा प्रेजेंट करते हैं कि मोस्टली जो अपर कास्ट जो हिंदू हैं वो वहाँ के लोअर कास्ट हिंदू का परसिक्यूशन करते थे, लेकिन जो रियल स्टोरी है वो पूरी तरीके से उल्टी होती है, पूरी तरीके से उल्टी है। विलियम लोगन करके हैं, अंग्रेज़ों ने इन्हें एस्टैब्लिश करा था, ये एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं। इन्हें अपनी किताब मलाबार मैनुअल में ये मेंशन करा है कि इनिशियल जो कन्वर्जन थे वो ट्रेड और कॉमर्स से रिलेटेड थे। ट्रेड और कॉमर्स का रिलेशन ऐसा है कि वहाँ के जो लोकल राजा हुआ करते थे जामोरिन, उनको व्यापार से इतना प्रेम था कि उन्होंने एक आदेश जारी करा कि कोस्टल रीजन में रहने वाले जितने भी फिश फोक्स हैं या जितने भी मछुआरे कम्युनिटी हैं, उनमें से उनके घर का एक बड़ा लड़का मुसलमान की तरह पाला जाएगा, उसको मोहम्मदन की तरह बड़ा किया जाएगा। तो वहीं से कन्वर्जन की नींव रखी जाती है, और धीरे धीरे इन लोग का सोशल स्टेटस इतना बढ़ जाता है कि कन्वर्जन वॉलेंट्री कर दिया जाता है, क्योंकि जिस कम्युनिटी का सोशल स्टेटस हाई होगा हर कोई चाहेगा अपने आप को उससे जुड़ना। तो सिचुएशंस ऐसे खराब होती है। टीपू सुल्तान के आते आते तक थोड़ी बहुत हारमनी थी, यानी मतलब जो दंगे होते थे वो छोटे रीजन तक ही लिमिटेड थे, लेकिन टीपू सुल्तान के मालाबार में इन्वेजन के बाद में सिचुएशन चेंज हुई। टीपू सुल्तान ने वहाँ पे कन्वर्जन को बढ़ावा दिया, लगभग लैक्स, आप इसको और बढ़ा सकते हैं, मतलब 10 लैक्स के लगभग कन्वर्जन हुए हैं, परसिक्यूशन हुए हैं, लोगों को मारा गया है, लोगों को कन्वर्ट करा गया है, लोगों को लूटा गया है, और ये चीज़ आगे मोपलाव ने जारी रखी है। एक किताब है टीसी वर्गीसी की, या उसके अलावा आप रॉबर्ट टी हार्डग्रेव्स को भी पढ़ सकते हैं। उन्होंने अपनी किताब में ये मेंशन करा है कि जैसे ही टीपू सुल्तान मालाबार में प्रवेश करता है तो उस रीजन में बहुत सारे इकोनॉमिक चेंजेस लाता है। इकोनॉमिक चेंजेस मतलब मैं इस सेंस में कहना चाहता हूँ कि वहाँ के जो मुस्लिम पीसेंट होते थे उन्हें ज़मीन देना, एडमिनिस्ट्रेशन का मेजर रीऑर्गेनाइजेशन करना, सब्सिडीज देना, और बहुत सारे ऐसे फेवर्स दिए जाते हैं मुस्लिम को। अंग्रेजों के आने के बाद, यानी मैं 1792 और 1799 के बीच की बात कर रहा हूँ, कि जैसे ही अंग्रेज मालाबार में प्रवेश करते हैं या टीपू सुल्तान को हराते हैं और मालाबार को उसके अत्याचार से आज़ाद करवाते हैं, उसके बाद सिचुएशंस बदलती है। मोपलाओं को ये स्पेशल प्रिविलेजेस या स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं, ये उससे वापस से छीन लिए जाते हैं। उसके बाद में हिंदू वर्सेज मुस्लिम होता है, वहाँ पे मुस्लिम जो मोपला किसान है वो हिंदुओं पे अटैक करने पड़ते हैं, जस्ट बिकॉज उनके रिसोर्सेज की वजह से, उनके वेल्थ की वजह से, ऐसा बताते हैं लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन। लेकिन सच्चाई यहाँ पे भी अलग ही है। वहाँ पे सच्चाई ऐसी है कि अंग्रेज़ों के आने के बाद में जितने भी बड़े लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे उनके राइट्स उनसे छीने गए, जो रेवेन्यू सेटलमेंट के टर्म्स के हिसाब से। उसके बाद में उनके बहुत सारे टैक्सेस जो लेवाई करते थे वो भी कैंसिल करे गए, उनकी स्पेशल पुलिस भी हटा दी गई। तो लगभग इन सब चीजों से ये तो समझ में आता है कि सबकी पीड़ा सेम है, लेकिन बार बार इसको हिंदू लैंडलॉर्ड परसिक्यूशन ऑफ पीसेंट करके जोड़ा जाता है ताकि इसको जस्टिफाई करा जा सके कॉज को। अच्छा, दंगे गलत शब्दों का, जेनोसाइड की शुरुआत 1821 से शुरुआत होती है।
1821 से 1921 तक 100 साल तक हिंदुओं का कत्लेआम मचाया जाता है, लाखों हिंदुओं को मारा जाता है, उनकी औरतों का रेप किया जाता है और इसको मात्र पीसेंट और अपराइजिंग बता दिया जाता है। विलियम लोगन अपनी किताब में, विलियम लोगन अंग्रेजों ने इस मोपला हिंसा को स्टडी करने के लिए दो ऑफिसर नियुक्त करे थे, एक होते हैं टीएल स्ट्रेंज, वो फर्स्ट ऑफिसर थे, एक होते हैं विलियम लोगन। तो दोनों की जब मैं बात करूं तो दोनों ने एक ही किताब लिखी थी, मलाबार वॉल्यूम 1, मलाबार वॉल्यूम 2। बेसिकली रिपोर्ट्स थी कि मलाबार में ये जो हिंसा हो रही है, जिसमें स्पेसिफिक जो हिंदू टारगेट हो रहा है वो क्यों हो रहा है और मोपला कम्युनिटी इतना क्यों आउटरेज है, इतना क्यों हेटरेट है हिंदुओं के प्रति, इस पे एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। तो पहले जो टीएल स्ट्रेंज होते हैं ये बताते हैं कि इसका कनेक्शन कहीं भी लैंड रेवेन्यू से नहीं है, इसका सीधा सीधा कनेक्शन रिलीजन से है। अगर लैंड रेवेन्यू होता तो मोपला कन्वर्जन क्यों करवाते, अगर लैंड रेवेन्यू होता तो मोपलाज औरतों का रेप क्यों करते, अगर लैंड रेवेन्यू होता तो मोपला प्रेग्नेंट औरत का पेट फाड़कर उसका अनडेवलप्ड फेटस निकाल के बाहर क्यों पटकते, अगर लैंड रेवेन्यू प्रॉब्लम होता तो नेलम्बूर करके एक जगह है, वहाँ की रीजनल गॉडेस है, वहाँ पे जो मलाबार कम्युनिटी होती है, हिंदू कम्युनिटी, और अकॉर्डिंग टू लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन वो उसे लो कास्ट टेम्पल मानते हैं कि वहाँ पे रीजनल डाइटी की पूजा होती है, वो मूर्ति को जहाँ हम फूलों की माला पहनाते हैं वहाँ गाय के मांस के लोथड़े से माला बना के उस मूर्ति को पहनाया जाता है, ये लैंड रेवेन्यू की वजह से ऐसा लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस हमारे बताए जाते हैं। और ये सब मैं इसे मनगढ़ा नहीं कह रहा हूँ, मैं मालाबार मैनुअल देख लीजिए, उस समय के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हुआ करते हैं गोपालन नायर, आप उनकी किताब देख लीजिए, उसमें पूरे का पूरा रिपोर्ट्स बना करके मेंशन है कि ऐसा हुआ है, 100 को मारा है, 200 को मारा है। अब सिचुएशन तब खराब होती हैं जब इसको एक नेशनल लेवल की पार्टी समर्थन दे देती है। देखिए 1920 की बात है, जैसे ही वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म होता है तो तुर्की पे एक ट्रीटी इम्पोज की जाती है जिसको ट्रीटी ऑफ सेवेरस या ऐसा कुछ कहा जाता है। इस ट्रीटी के माध्यम से ट्रीटी पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन या इम्पोजिशन लगाए जाते हैं। अब कुछ इम्पोजिशन उसके जो ओवरसी जो टेरिटरी है उसको कंट्रोल को लेकर भी होते हैं। इससे हमारे भारत के जो मुस्लिम हैं, जिसको हम उम्मा कहूँगा मैं यहाँ पे, वो काफ़ी उन्हें दिक्कत हो जाती है, उन्हें दर्द होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें वहाँ के मुस्लिमों से ज़्यादा मतलब है, उन्हें वहाँ के कॉज से ज़्यादा रिलेशन होता है, जिसका भारत में कोई मतलब नहीं है। एनी बेसेंट अपनी किताब में लिखती हैं फ्यूचर फॉर इंडिया स्ट्रगल में, वो ये मेंशन करती हैं, वो गांधी को ये लेटर लिख के बताती हैं कि खिलाफत का भारत के नेशनल मूवमेंट से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन गांधी इस चीज़ को नकार देते हैं, उन्हें तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी का मसीहा बना रहता है। वो बार बार लोगों को या हिंदुओं को ये मानने पे मजबूर करते हैं कि नहीं, वियतनाम में सर एक नेशनल अलाइनमेंट नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का एक वो हुआ था, एक कन्वीन्यू होती है, मीटिंग कन्वीन्यू होती है, तो उसमें गांधी जी ऐसा बोलते हैं कि अगर हिंदुओं को सर भी कटाने का ज़रूरत पड़े हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए तो आपको तैयार रहना चाहिए। ये गांधी जी के रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, उनके लेटर में भी मेंशन है। तो 1921 खिलाफत नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है मलाबार में। दो लोगों को वहाँ का लीडर चूज करा जाता है, एक हाजी और एक कुंडुमुल अली करके व्यक्ति हैं। तो हाजी जी का इतिहास ऐसा है कि इनको वहाँ की मलाबार पुलिस पहले ही कम्युनल वायलेंस में वहाँ से एग्जाइल देती है। दूसरा, वो अरब के जो मर्चेंट्स हैं उनको वहाँ की लोकल लड़कियाँ सप्लाई करते हैं। ये सब बातें जानने के बावजूद गांधी जी उनसे मिलते हैं और उन्हें लीडर की वहाँ की लीडरशिप और वहाँ के जो लोकल मूवमेंट है वहाँ की बागडोर संभालने को दे देते हैं, बोलते हैं कि भैया आप ही लोग बढ़ाइए। उसके बाद में मूवमेंट स्टार्ट होता है, हिंसा का दौर चालू होता है। इनिशियली ये हिंसा अंग्रेजों के प्रति होती है जो बाद में सिस्टमेटिकली कन्वर्ट हो जाती है हिंदुओं के प्रति, लाखों हिंदुओं को मारा जाता है। नॉनवेज अगर कोई खाता है तो जब आप जहां मतलब कसाई मांस काटता है अगर आप वहां जाएंगे तो मुर्गे का गला रेत करके उसको बाल्टी में डाल दिया जाता है ताकि वो थोड़ी देर तड़पे, दर्द महसूस करिए। नेलम्बूर वैली के पास में एक कुआं है, तिवुरुल वेल करके एक जगह है, वो एक त्रासदी है जिसको कांग्रेस के एक बड़े लीडर माधवन नायर ने अपनी किताब में मेंशन करा है कि लगभग 38 से 40 हिंदुओं का गला रेत करके उन्हें तड़पने के लिए कुएं में छोड़ दिया गया था। और ये एक घटना नहीं है, आर्य समाज एंड मालाबार उनकी किताब में वो मेंशन करते हैं ऐसी दर्जनों घटनाएं। और जो गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टिगेशन वाली रिपोर्ट्स आती है उसमें बताया जाता है ये आंकड़ा एक सही फॉर्म में कैलकुलेट नहीं किया जा सकता क्योंकि डेड बॉडीज पूरे फुल फॉर्म में है ही नहीं, ऑर्गन्स मिल रहे हैं, डेड बॉडीज पूरी फुल मिल भी नहीं रही हैं, आपको ऑर्गन्स मिल रहे हैं। तो इस तरीके से वो होता है। और उसके बाद में नेलम्बूर करके वही वैली है, वहाँ पर एक जगह होती है तेवूर, वहाँ की एर्नाड करके एक डिस्ट्रिक्ट है उसके अंडर में आता है, वहाँ पर जो एट्रोसिटीज़ थी हिंदुओं के प्रति वो काफ़ी हाई थी। वहाँ की जो औरतें हैं
कलेक्टिवली एक लेटर लिखती हैं, एक्चुअल में वहाँ की रानी लेटर लिखती हैं उस समय की जो वाइसरॉय होते हैं लॉर्ड रीडिंग उनकी वाइफ को, और वो उस लेटर में मेंशन करती हैं उनकी एट्रोसिटीज। इस लेटर को शंकर नायर, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं एक समय के, इंडियन नेशनल मूवमेंट के समय में, वो भी मेंशन करते हैं। उनकी बुक है गांधी एंड एनार्की, उसमें मेंशन करते हैं, मतलब पूरा लेटर है उसमें जितनी भी एट्रोसिटीज महिलाओं के साथ या हिंदुओं के साथ में की जाती हैं, कुछ इस प्रकार है कि एक दलित महिला को पकड़ा गया जो पुलैया कम्युनिटी से आती थी, और उससे बोला गया कि आप कन्वर्ट हो जाओ। तो जब उस लड़की ने कन्वर्ट होने से मना किया तो लगभग 10 मोपला इस्लामिक जिहादियों ने उसको पकड़ा, उसका रेप करा, उसका गला काटकर कुएं में फेंक दिया। वही घटना कुएं में फेंकने वाली। इसके बाद प्रेग्नेंट औरत का पेट फाड़ करके उसके अनडेवलप्ड फिटस को बाहर निकाल के सड़क पर सड़ने के लिए छोड़ देना, मूर्तियों को तोड़ना, हिंदुओं को मारना, मास रेप हुआ है। गैंग रेप भी नहीं, मास रेप। आप इमेजिन करिए जब 400-500 लोग एक औरत के साथ में रेप कर रहे हैं तो कैसा, क्या मतलब मंजर होता होगा। और ये सब उस लेटर में मेंशन है। और लास्ट में रानी ऑफ नेलम्बूर ऐसा बोलती हैं कि मैडम ये एक दिन की बात नहीं है, ये हम लोग 6 महीने से झेल रहे हैं। 6 महीने से लगातार हिंदुओं को मारा गया, काटा गया। ऑफिशियल रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 2000 लोग मारे गए हैं ऑफिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से, जो कि अंग्रेजों की बनाई हुई है, वो हमेशा कम ही बताएंगे। 20,000 लोगों का कन्वर्जन हुआ है, लगभग 1 लाख हिंदुओं को वहाँ से हटाया गया है, कहीं दूसरे स्थान पर विस्थापित करा गया है, और लगभग 3 करोड़ रुपए लूटे गए हैं। ये सिर्फ ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की रिपोर्ट के हिसाब से तो 3 ही लोगों का कन्वर्जन हुआ है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस एक समय तक इस मोपला रिबेलियन को काफ़ी प्रमोट भी कर रही थी कि वो तो धर्म की लड़ाई है। गांधी जी ने तो रिटर्न स्टेटमेंट भी दिए, लेटर्स में स्टेटमेंट्स भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वो अल्लाह से डरने वाली कौम है, और उनको अपने रिलीजन के हिसाब से जो सही लगता है अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए वो करते हैं। मतलब एक तरफ तो हम देखते हैं कि चौरा चौरी कांड के बाद में नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया जाता है, और एक तरफ लाखों लोगों को मारा जाता है, उनको ये नॉन वायलेंस वायलेंस नहीं दिखता। ये गांधी जी की हिपोक्रेसी मुझे नहीं, आपको नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर को भी समझ में आ गई। बाबा साहब अम्बेडकर अपनी बुक में लिखते हैं थॉट्स ऑफ पाकिस्तान में, वो ये कंडेम करते हैं गांधी को, और लिखते हैं कि ये कोई रेबेलियन नहीं है, ये कोई रेबेलियन नहीं है, रेबेलियन स्टेट के अगेंस्ट में होता है। उन्होंने बोला ये एक जेनोसाइड का रूप है। एनी बेसेंट भी अपनी किताब में लिखती हैं, और गांधी जी को क्रिटिसाइज करते हैं, उनको लेटर में भी ये मेंशन करती हैं कि ये कोई छोटा मोटा रेबेलियन नहीं है जिसे आप दबा दिया कर रही हैं, ठीक है, ये एक जेनोसाइड है जिसमें लाखों हिंदुओं को मारा गया है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दे, और मैं बात दोहराना चाहता हूं कि एक बार खिलाफत की सरकार आ गई तो सिचुएशन सेम हुई, चाहे आप बांग्लादेश में देख लीजिए, इससे पहले भी इंडियन हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें हुई, कश्मीर में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में वो छोटे मोटे जो दंगे हुए थे उसमें भी देख लीजिए, जहां मेजोरिटी में होते हैं वहां इनका काम यही होता है। मैं गांधी जी के कोट्स के साथ में अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा, फैक्ट आर फैक्ट, फैक्ट फैक्ट होता है, अगर आपको पसंद नहीं है तो वो बदल नहीं देगा। ये गांधी जी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि ऐसी बातें रखी जाए, क्योंकि जो ये फॉल्सिफाई करी गई मोपला 1920s में, वो आज भी फॉल्सिफाई ही करी जा रही है, चाहे बांग्लादेश में और यहाँ भी पाकिस्तान में भी, कि जो बातें वहाँ हुई हैं 1920s में भी वो फॉल्सिफाई करी जा रही है उन्हीं लोगों के द्वारा। ये समझना जरूरी है, उन पर या तो बात नहीं करेंगे या बात करके हमारे दर्द को जबरदस्ती का सेकुलराइज करते हैं। इसी विषय पे अगली कड़ी में मैं श्रीम तिवारी भैया को बुलाना चाहूंगा, जो अपना फिगर प्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान में। साथियों को जैसा कि मेरे भाई राकेश मिश्रा ने कहा कि बुराई करना जो है ऐसी त्रासदी एक नबी बन चुकी है ऐसी जगह। मैंने अपने रिसर्च के दौरान मैंने पाकिस्तान के हिंदुओं को एज ए केस स्टडी लिया था, पर बात ये थी कि तब तक बांग्लादेश में ऐसा कुछ हुआ नहीं था जिसके बारे में ये बात हो सके। और मेरे रिसर्च के दौरान मैंने ये देखा कि जो मेन चंक ऑफ हिंदू पॉपुलेशन पाकिस्तान में 1947 में, उसका एक बहुत बड़ा धड़ा बांग्लादेश में चला गया था पार्टीशन के,
पर मेरा जो पेपर है वो फोकस करता है जो इस समय पाकिस्तान के हिंदुओं की हालत है। पाकिस्तान क्योंकि एक अनस्टेबल देश रहा है, उसकी उसका हिस्ट्री ये समझ लीजिए कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन भी 2-3 आ चुके हैं। तो मैंने जो अपना बेस बनाया है वो 1976 का उनका संविधान है, जो राइट्स मतलब पॉलिटिकली इक्वालिटी मानता है कि हमारा हर सिटीजन इक्वल है, पर उसी इक्वालिटी में वही सेपरेट बट इक्वल वाला कॉन्सेप्ट डाल देता है। जो सेपरेट इलेक्ट्रेट है, जो हमारे यहाँ पे माइनॉरिटीज है उनका एक सेपरेट इलेक्ट्रेट, इससे दिक्कतें ये आ रही हैं वहाँ के हिंदुओं को कि वो सोसाइटी से कितना भी कर लें वो कभी भी इंटीग्रेट नहीं हो सकते। ये दिक्कत 1909 में मोंटेमिरलो ने मॉर्ले मिंटो ने डाल दी थी इस देश में, जिसका जो खत्म हुई भारत के विभाजन। तो मेरा जो पेपर है वो ये कहता है कि ये वहाँ के किसी हिंदू स्कॉलर ने नहीं लिखा है, वहाँ के मुस्लिम स्कॉलर्स ने ये पता करने के लिए सोशियोलॉजिकल स्टडी की कि वहाँ पे जो माइनॉरिटीज हैं उन पे उनका उस स्टेट के प्रति क्या बिहेवियर, या वो कैसे क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं 70 साल के बाद भी वो क्यों नहीं, तो 70 साल के बाद भी क्यों इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं हुआ है वहाँ की माइनॉरिटीज का वहाँ की सोसाइटी। तो पहला कारण वो ये बताते हैं कि जो लोकल पॉपुलेशन है, एक तो जो वहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन है उसका जो सोशियोलॉजिकल कैरेक्टर है वो वहाँ पे जो सोशल कैरेक्टर है वहाँ की हिंदू पॉपुलेशन का वो चेंज्ड है। इंडिया की तरह वहाँ पे हर कास्ट का आदमी नहीं है, वहाँ पर एक खास कास्ट के लोग बहुत ज्यादा रहे हैं। उनको डिस्क्रिमिनेशन इसलिए फेस करना पड़ा है क्योंकि वो एक निचली जाति जिसको भारत में कहा जाता है सो कॉल्ड, उसके जो है उसके लोग वहां पर ज्यादा पाए गए हैं। और वो स्टडी ये बताती है कि पंजाब सबसे ज्यादा जो हिंदू पॉपुलेशन वहां पे है वो सिंध प्रांत में आती है, और जो डिस्क्रिमिनेशन शुरू होता है हिंदू पॉपुलेशन के साथ वो दूसरी माइनॉरिटी पॉपुलेशन से इस तरह से डिफरेंट है कि जो दूसरी पॉपुलेशन जो हिंदू पॉपुलेशन के बराबर आती है वो है क्रिश्चियन पॉपुलेशन, परंतु जो क्रिश्चियंस हैं दे आर द पीपल ऑफ द बुक, उनको लेकर के शरिया इस्लाम कुछ कहता है कि ये लोग जो अहले किताब हैं इनके उनको लेके हम कैसे जो है उनसे कैसे हमें मिलना है या उनको कैसे डील करना है। बट हिंदूज आर आउट ऑफ द बॉक्स, दे कैन नॉट थिंक अबाउट इट। 11 अगस्त 1947 को जिन्ना जी ये स्पीच देते हैं कि हमारे यहाँ पे रहने वाला हिंदू हो मुस्लिम हो एक समय आने के बाद वो हिंदू रहना छोड़ देगा मुस्लिम रहना छोड़ देगा, वहां पे रहने वाली माइनॉरिटी को लगा कि भाई ये तो वही बात कर रहे हैं जो बराबर यहाँ पे भी हो रही थी भारत में भी, परंतु ऐसा नहीं था। 12 अगस्त को ही वो कह देते हैं, उनसे पूछा गया कि संविधान कैसा होगा पाकिस्तान का, तो कहते हैं हमारे पास संविधान की जरूरत ही नहीं, तो 1400 साल पहले लिख उठा है। तो इस हिसाब से बातें होती थी। तो जो हिंदू पॉपुलेशन वहां पे अभी भी रह रही है उसकी कंडीशन अबिस्मल है वहां की माइनॉरिटीज के भी हिसाब से। मैं अब स्टेज सर को दूंगा कि वो इसको गाइड करें कि और हमें समझाएं कि कैसे जो पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशंस हैं वो कैसे उस पॉपुलेशन के साथ इंस्टीट्यूशनल भी डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, प्लस जो वहां की सोसाइटी है वो कैसे क्या समझती है और क्या नहीं समझ पा रही है इस पॉपुलेशन से डील करने के लिए जो उनके लिए आउट ऑफ द बॉक्स वहां पर है और वो एग्जिस्ट करते हैं, बट उनकी रियलिटी को डिनाई करने का काम वहां का इंस्टीट्यूशन वहां की सोसाइटी करती है। थैंक यू सर। सब युवाओं को आप लोगों को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हमारे मेवाड़ का जो युद्ध का नारा था हर हर महादेव, हर महादेव। तो क्योंकि युद्ध का काल है, जिनके पास आंखें हैं जिनके पास प्रज्ञा है उनको युद्ध दिख रहा है, जिनको नहीं देखना है वो उनका घर भी जल जाएगा तो कह देंगे शायद दीपावली के पटाखे चल रहे हैं, क्योंकि प्रज्ञा इंटेलिजेंस किसी की बपौती नहीं है। इंटेलिजेंस कोई व्यक्ति है तो है, नहीं है तो नहीं है। इट्स लाइक अ सेंस ऑफ म्यूजिक, अगर है तो है नहीं तो नहीं है। अच्छा लगा आप युवाओं के बीच में आकर, आपकी चिंता आपकी संवेदना देखकर पाकिस्तान से विस्थापित हिंदुओं के बारे में या पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं के बारे में। किंतु मैं समझता हूँ कि अगर बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का नरसंहार नहीं चल रहा होता तो शायद इसके आधे लोग भी यहाँ पर नहीं होते। तो एक प्रकार से ये बहुत भारी मन और पूरे दायित्व के साथ कह रहा हूँ
एक प्रकार से बांग्लादेश के हिंदू अपना जीवन, अपनी सुरक्षा, अपना सम्मान दांव पर लगाकर इस मरे हुए हिंदू समाज को जागृत कर रहे हैं। ये उपकार है उस समाज का, हिंदू समाज पर। मैं 15 वर्षों से पाकिस्तान से विस्थापित हिंदुओं के साथ काम करता हूँ और अब बिल्कुल थक चुका हूँ। निराश नहीं हूँ, क्योंकि निराशा तो सनातन हिंदू धर्म में होती नहीं है, जहाँ हमारे पथ प्रदर्शक भगवान श्री कृष्ण केवल और केवल विशुद्ध कर्म का उपदेश देते हैं, निष्काम कर्म। जब बात निष्काम कर्म की हो गई तो हमें किस बात की, हमें कोई फल के लिए तो हम कर्म कर नहीं रहे, कर्म के लिए कर्म कर रहे हैं। तो निराश नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा ऊब गया हूँ, बोर्डम ने पकड़ा हुआ है कि वही बात सुबह से लेकर शाम तक। इसीलिए मैंने आप यहाँ से मैंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात आरंभ करना शुरू की थी, लेकिन मैं उस पर आऊँगा अभी 10 मिनट बाद। 10 मिनट तक मैं आपको पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या स्थिति उसके बारे में बता दूँ क्यों है। हिंदू समाज का बहुसंख्यक मेरे पास जर्नलिस्ट, यूट्यूब चैनल और टीवी चैनल और अखबार वाले और 50 लोग तरह के लोग आते हैं। इवन मिडिल क्लास हिंदू जब हमारी थीम पार्टियां होती हैं वहां पर भी बोलते हैं कि यार ये पाकिस्तान में ये हिंदू के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और स्क्रैच माई टाट एन एचर रियली यू डोंट नो क्यों हो रहा है रियली। आप 1400 साल में आपको पता नहीं है हिंदुओं के साथ में एक ये विशेष समुदाय क्या करता आया है, उसके लिए आपको क्या कोई किताब दें, कोई वीडियोस दिखाएं। मैं तो एक जीते जागते आदमी को लेकर आया हूं पाकिस्तान से आपको दिखाने के लिए कि इनसे मिल लीजिए, शायद इनकी बात मिलकर समझ में आ जाए। लेकिन हमारी संवेदना, हमारी चेतना, हमारी इंटेलिजेंस को हुआ क्या है? हुआ ये है कि आपका एक कर्म है, आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई करते हैं, उसके अलावा 3-4 घंटे आपके जीवन में मिलते हैं, वो 3-4 घंटे बॉलीवुड, क्रिकेट, थीम पार्टियां, इन कृत्रिम, इन आर्टिफिशियल परस्यूट्स के अंदर लगती हैं। आज के समय में हिंदू समाज का सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई वो है तो वो है बॉलीवुड और क्रिकेट। और समाज जितनी जल्दी इन दोनों परस्यूट से विमुख होगा उतना सुरक्षित, उतना आर्थिक रूप से सुदृढ़ होता जाएगा। युद्ध के काल में आपके पास समय ही नहीं है बॉलीवुड और क्रिकेट के लिए। वो और बात है कि ये दोनों प्रपंच केवल और केवल जिहाद के फ्रंट्स हैं, केवल आपको झूठ सिखाते हैं। महाराणा पुस्तक मैंने लिखी है, शायद अवेलेबल है एक आधे लोग को जो भी यहां पर उसको पढ़ना चाहे। इस देश का इतिहास, मैं JNU के अंदर खड़ा होकर बोल रहा हूं, कोई इतिहास का प्रोफेसर हो तो आ जाए, इस देश का लिखित इतिहास झूठ का पुलिंदा है। और उसको सिद्ध करने के लिए पहले तो मैं आपको बताता हूं कि बॉलीवुड किस तरह के हमारे माइंड को कैप्चर करता है। आप में से अधिकतर लोगों ने मुगले आजम देखी होगी। मुगले आजम में वो सीन है ना, पृथ्वीराज कपूर भगवान कृष्ण को जन्माष्टमी के दिन झूला झूला रहे हैं। दिस इज हाउ दे कंट्रोल आवर साइकी। किस पृथ्वीराज कपूर क्यों झूला रहा है? क्योंकि जोधा भाई कौन थी? जोधा भाई कोई थी नहीं, देर वॉज नो जोधा भाई। जयपुर के राजघराने की एक नौकरानी हरखू भाई का विवाह जयपुर के राजपूतों ने अकबर से कर दिया था अपने जान छोड़ाने के लिए, और यह सिद्ध हुआ है, ये बुक में मैंने सिद्ध किया है। किंतु उस हरखू भाई का भी पहले धर्मांतरण किया गया अकबर से विवाह से पहले, जिसका नाम मरियम उल जमानी था। मरियम उल जमानी की कब्र आज भी आगरा के किले में है, जो भी जाकर देखना चाहे देख सकता है। तो ये जो जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को झूला झुलाया जा रहा था, इससे बड़ा कोई पाखंड हो सकता है? जिस अकबर ने
यहाँ कितने लोग हैं साका जौहर के बारे में जानते हैं? साका जौहर का नाम सुना है आप लोगों ने? ये दुर्भाग्य है प्रारब्ध इस देश का, जिस एक घटना के कारण आज आप हिंदू हैं, आज हमारे सर पर बड़े भाई की टोपी और बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पजामा नहीं है, इन बच्चियों के सर खुले हैं, इनके सरों पर टेंट हाउस शटलकॉक जैसे नहीं है, उसका एकमात्र कारण था साका जौहर। जब राजपूत इन मलेच्छों से चारों तरफ से घिर जाते थे और किले की रसद समाप्त हो जाती थी, राजस्थान के हिंदुओं ने एक अकल्पनीय अविश्वसनीय काम को अंजाम दिया। किले के अंदर रहने वाली समस्त स्त्रियां जीवित अग्नि में स्नान कर लेती, उसको जौहर कहा जाता। किले के पुरुष अपनी स्त्रियों को जीवित अग्नि में स्नान कराने के बाद उस राख को अपने शरीर पर मलकर अगले दिन दुर्ग का द्वार खोलकर जितने मुसलमानों को मार सकते थे मार डालते, उसके बाद वीर गति को प्राप्त हो जाते। इसे साका कहा जाता। 25 फरवरी 1568 तीसरा साका। उससे पहले दो साके हुए थे, पहला महारानी पद्मिनी का, दूसरा रानी कर्मावती सांगा की पत्नी का। तीसरा साका प्रताप के समय हुआ 25 फरवरी 1568। एक दिन में मलेच्छ अकबर ने 40,000 हिंदुओं की हत्या की थी। हम कैसे लोग हैं, हम कैसे लोग हैं सर? सर 40,000 हिंदुओं को मारने वाले अकबर के ऊपर मुगले आजम बनती है और आप और मैं पॉपकॉर्न चबाते हुए उस मूवी को देखते हैं। कहीं दुनिया में ऐसे लोग देखे हैं आपने? अपने पूर्वजों के हत्यारों पर बनी पिक्चरें हमें निर्लज्जता से हम देखने जाते हैं, हमें कोई लज्जा नहीं आती। और हमारा डिफेंस क्या है, हमें तो पता नहीं था। आपको पता है जो क्रिमिनल ज्यूरिसप्रूडेंस है उसमें आपको कोई कानून का पता ना होना आपका कोई डिफेंस नहीं है। राज्य ये मान के चलता है कि आपको पता होना चाहिए कि किसी को थप्पड़ मारना एक अपराध है। आप ये डिफेंस नहीं ले सकते कि मुझे तो पता ही नहीं था किसी को थप्पड़ मारना अपराध है। ये तो किया बॉलीवुड ने, एक हत्यारे को इस देश के अंदर महान करके उसको स्थापित किया गया। यानी एक तो एकेडमिया में हुआ, एक सार्वजनिक, जब आज भी जब किसी हिंदू के शादी में जाते हैं अजीमो शाह शहंशाह का वो बजता ना, वो जब दूल्हा आता है जब अजीमो शहंशाह ये बात अलग है, अगले दिन अजीमो शहंशाह चड्डी पहन करके ब्रेड की और दूध की लाइन में लगे होते हैं। कैसे कैसे ना, कभी कभी सोचने पे विवश हो जाता हूं कि दश्ते तन्हाई ये सहरा में खड़ा सोचता हूं, हाय क्या लोग मेरा साथ निभाने निकले। हम कैसे डीरेसिनेटेड लोग हैं। तो इतिहास का अपभ्रंश, मैं 2012 में अपने हॉस्पिटल में काम करता था, सोनी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट की तरह। वहां मेरे को एक पाकिस्तानी हिंदू डॉक्टर से, अनिल से मिलना हुआ। उस व्यक्ति ने मुझे जब बताया कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ ये होता है, मेरी आत्मा कांप गई। मैंने कहा सिर्फ हिंदू होने के लिए तुम्हारे साथ में ये सब होता है? और मैं चूंकि अपने आप को फेयरली एजुकेटेड मानता था, मैं इस माफिया के बारे में भी अपने आप को पूरे फेयरली एजुकेटेड मानता हूं, लेकिन आधुनिक 21वीं शताब्दी में यह हो रहा है। तो जब मैंने अपने आप को एजुकेट किया, डू यू नो 2019 में, अपने फोन में गूगल कर लीजिए, यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की रिपोर्ट है, 1,000 हिंदू सिख बच्चियां प्रतिदिन उनके घरों से उठाई जा रही हैं 21वीं शताब्दी में। इफ यू नैरो इट डाउन, इट कम्स टू 3 अंडर एज गर्ल्स पिक्ड अप एवरी सिंगल डे। लेट दैट सिंक इन। कोई छोटी बहन है, स्कूल जाएगी, पता नहीं है वापस आएगी कि नहीं। ये जजराज है, सिंध पाकिस्तान से आए 2012 में, हमारे संगठन के साथ काम करते हैं। जजराज भाई एक बात बताना, पाकिस्तान में कोई हिंदू
शहर का हिंदू नहीं, गांव का हिंदू अपनी बच्ची को स्कूल में पढ़ाता है क्या? दिखाते नहीं, भी जाते नहीं, उनको पता ही नहीं है तो अपन को पढ़ाना चाहिए क्यों इस डर के मारे? वो उठा के भी जाते हैं, पता भी नहीं चलेगा तो वापस आएगी या नहीं आएगी। आपको समझ में आ रहा है? पाकिस्तान का हिंदू अपनी बच्ची को स्कूल नहीं भेजता है क्योंकि उसे ये नहीं पता कि वो बच्ची वापस आएगी या नहीं। 21st सेंचुरी, 24x7 टेलीविजन, ये दुर्दशा उस समाज की आज है। अब एक सेकंड स्पीकर ने कहा था क्यों है इंस्टीट्यूशंस, यार मैं यहां पर कोई थियोलॉजी के बारे में बोलने नहीं आया हूं, लेकिन जो अहले किताब है उनको तो जिम्मी का दर्जा मिलता है, जो अहले किताब नहीं है उनको मुशरिक कहा जाता है, और मुशरिक के साथ क्या करना है ये नवे सूरह की 5वीं आयत गूगल करके पढ़ लें। फिर भी अगर ऑस्ट्रिच की तरह, ये ऑस्ट्रिच एक चिड़िया होती है, कोई मुझे बताएगा मैं ऑस्ट्रिच का नाम क्यों ले रहा हूं? कोई तो बताओ यार। एग्जैक्टली, वेरी गुड। इट स्नगली फिट्स हिज हेड इनटू अ सिंकिंग सैंड एंड विशेस द डेंजर अवे। मेरी इच्छा है कि डेंजर दूर चला जाए। वेल, आपकी इच्छा से उस डेंजर को कोई मतलब नहीं है क्योंकि आप उसका भोजन है, यू आर फूड फॉर दैट एनिमल। तो वो आपको आराम से तबीयत से खाता है क्योंकि आप तो खुद सर में चूहे के बिल में सर गड़ा के बैठे हैं। तीन हिंदू सिख बच्चियों का उनके घरों से अपहरण प्रतिदिन हो रहा है। जो पार्टीशन के समय 23% हिंदुओं की पॉपुलेशन थी, जनसंख्या थी पाकिस्तान में, वो आज 2% रह गई है। जो बांग्लादेश में 35% थे ईस्टर्न पाकिस्तान में, वो आज घट के 8% रह गए। भारतवर्ष के अंदर जो 88% जनसंख्या हिंदुओं की थी वो घटकर 78% रह गई। हिटमोंगर कौन है? हिटमोंगर मुझ जैसे लोग हैं जो आपको जगह है। कितनी लाशें, कितने शव, कितनी बच्चियों के बलात्कार के बाद समाज जागेगा? मैं 55 का हो गया हूं ये सोचते सोचते, और मुझे उत्तर नहीं मिल रहा है कि महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वंशज इस तरह से पैरालाइज्ड इनएक्शन। बल्कि अगर आपको कोई सच बताए तो आप कहते नहीं नहीं ये तो हिटमंगर है। डेटा, स्टैटिस्टिक्स, फिगर्स, आपने वहां देखा क्या? जीता जागता जजराज आपको दिखाई नहीं देता। गत 8 वर्षों में हमारी संस्था निमित्तेकम के माध्यम से हमने 12,000 हिंदुओं को पाकिस्तान से बाहर निकाला है। रोने का विषय है। इस आदमी का घर था वहां पर, इसके संबंधी थे वहां पर, इसका सोना था, इसकी गाड़ी थी, इसकी प्रॉपर्टी थी। एक रात में ये सब कुछ छोड़कर यहां आकर के शरणार्थी बन गया। ये किस पाप की सजा पा रहे हैं हिंदू? ये उस दुरात्मा गांधी और उसकी नाजायज औलाद नेहरू के पापों की सजा पा रहे हैं हिंदू। ताली बजाने की बात नहीं है, रोने का विषय है। जिस आदमी पर एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बैठना चाहिए, 10 लाख हिंदू उस कृत्रिम विभाजन, जो विभाजन कभी हुआ ही नहीं, धर्म के आधार पर विभाजन हुआ था ना, क्या हुआ? बाबा साहब रोते रह गए। टोटल एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन होना चाहिए। हॉस्टेज पॉपुलेशन थ्योरी
परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय श्री मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा प्रतिपादित और इस देश के बीजेपी का एक नेता जाकर उसकी मजार पर सर ठोक कर आता है, इनको लज्जा नहीं आती, डूब के नहीं मर जाते शर्म से ये लोग। वो कहता है हॉस्टेज पॉपुलेशन थ्योरी क्या कहती है, भारत में चूंकि इतने करोड़ मुसलमान हैं, कल को हिंदू इन्हें तंग करेंगे तो हम 1 करोड़ हिंदुओं को भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश में रखेंगे, बांग्लादेश नहीं था उस वक्त, ईस्ट पाकिस्तान था, ताकि हम इनका नरसंहार शुरू कर दें। ये सिविलाइज्ड समाज में इस तरह की बातें करने वाले आदमी की कोई स्थान है? इवन जो माफिया का गुंडा होता है वो इस तरह की भाषा का प्रयोग सार्वजनिक रूप से नहीं करता। अल कपोन भी टाई कपड़े पहन करके सिविलाइज्ड भाषा में ही बात करता था। लेकिन हम सर्कसी लोग हैं, हमें सर्कस दिखाते रहो। जुवेनाइल एक ग्रीक विचारक हुआ, गिव देम ब्रेड एंड सर्कस एंड दे विल नॉट रिवोल्ट। खाइए समोसे और टीवी सीरियल सर्कस दिखाते रहिए। बॉलीवुड मतलब टेस्ट मैच के बाद फिर वो 50 ओवर का वर्ल्ड कप, फिर 20 ओवर का, वो कम पड़ रहा था तो आईपीएल भी आ गया, अब 5 ओवर का मैच भी आ जाएगा, फिर 1-1 ओवर का भी बना लेना, क्योंकि समय तो बहुत है जीवन में। जिस देश में आईपीएल जैसी संस्था खड़ी है और अरबों रुपए हिंदू उसमें उड़ा रहे हैं, आपकी गुलामी 10 साल से ज्यादा दूर नहीं है जो बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हो रहा है। मैं हर प्लेटफॉर्म से भौंक भौंक कर कह रहा हूं, यहां के हिंदुओं के साथ भी वही होगा, एग्जैक्टली वही टेम्पलेट यहां पर काम में लिया जाएगा, कश्मीर में लिया जा चुका है। सरकसी हिंदू कश्मीर फाइल्स देकर के बाहर आकर, मेरी आयु के लोग जिनको याद होना चाहिए कि 1989 के अंदर, उस वक्त मैं 19 साल का था, मेरी आंखों के सामने सब कुछ हुआ था, भारतवर्ष के 1-1 अखबार ने कश्मीर जेनोसाइड को कवर किया था, कश्मीर फाइल देख करके मेरी आयु का आदमी आके सरकसी आंसू बहाता है, हमें तो पता ही नहीं था ये हुआ था। आटा खाता है, घास खाता है भाई, क्या पता नहीं था कि 5 लाख हिंदुओं को उनके घरों से चलीव गलीव रलीव करके वो निकाला गया है, ये पता नहीं था? भारतवर्ष के हर अखबार ने उसको रिपोर्ट किया था। बट वेन देर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ इंटेलेक्ट, मैं कल आर्थर कोस्टलर को पढ़ता था, जबरदस्त कैरिकेचर उसने हिंदू पुरुष का किया है, वो कहता है दिस होल सोसाइटी इज कर्स्ड विथ एन अरेस्ट नॉट ऑफ इंटेलेक्ट। सत्या नडेला, सुंदर पिचाई दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं। हिंदू समाज का क्राइसिस लैक ऑफ इंटेलेक्ट नहीं है। आर्थर कोस्टलर कहता है दिस होल सोसाइटी इज कर्स्ड विथ एन अरेस्ट नॉट ऑफ इंटेलेक्ट बट ऑफ कैरेक्टर। हम वचन निभाना भूल गए, हम झूठ बोले चले जाते हैं अपने सार्वजनिक जीवन में, हमारा चरित्र ह्रास कारण बनेगा हमारी गुलामी का। 10 वर्ष का समय है प्यारे बच्चों, अगर आप लोग अपने यू गेट योर फैक्ट्स राइट, अगर आप सत्य को सत्य की तरह देख पाए, अगर आप अपनी चेतना का विकास समग्र रूप से कर पाए और सत्य सनातन हिंदू धर्म के उपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कृष्ण के दिए हुए उपदेश का सही आचरण अपने जीवन में करें, तो आपके चरित्र का निर्माण होगा, आपका चरित्र सुगंधित होगा। ऐसे चरित्रवान समाज को कभी कोई गुलाम नहीं बना सकता। उस चरित्र की आवश्यकता है जो महाराणा प्रताप सिंह, छत्रपति शिवाजी महाराज और श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, मैं जब किसी को जीवन में दुखी देखता हूँ, मेरे आसपास कभी कोई मृत्यु होती है, कहीं कोई रोने बैठता है, बिजनेस में नुकसान हो जाता है, कृत्रिम झूठ और पाखंड करते हैं सब,
मैं उसको एक ही बात बोलता हूँ, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चार बेटे 15 दिन के अंदर मुसलमानों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, तेरा दुख उनके दुख से बड़ा नहीं है। दो बच्चे जोरावर सिंह और फतेह सिंह 7 और 9 वर्ष के, उन्हें विकल्प दिया गया कि आप इस्लाम कबूल कर लो वरना हम इसको दीवार जिंदा दीवार में चिनवा देंगे। सोचो उन बच्चों का संकल्प, सोचो वो जब ठंडा ठंडा गारा उनकी नाक में गया होगा, दम घुटा हो, लेकिन वो एंकरिंग थी धर्म के प्रति जो मां बाप ने दी थी। मर गए, छोटे छोटे बच्चे मर गए, लेकिन मलेच्छों का धर्म स्वीकार नहीं किया। उस त्याग, उस बलिदान के कारण आज हम लोग यहां खड़े होकर ये बात कर पा रहे हैं। और अगर इस बात का बोध हमें नहीं है तो फिर हम इस धर्म की रक्षा नहीं करेंगे, हमारे बच्चे गुलाम बनेंगे। लेकिन यदि लेश मात्र भी हमें हमारे पूर्वजों के त्याग का बोध हो जाए तो फिर हम अपने बच्चों को भी एक सुरक्षित, एक सुगंधित, एक आर्थिक रूप से सुदृढ़ समाज दिलवाने में सफल होंगे। पाकिस्तान के हिंदू जीते जागते भगवान है मेरे लिए। भारत में मैं देखता हूं चावल की बोरी पर जो धर्मांतरण करते हैं, हमारे जयपुर के अंदर कुछ सिंधी परिवार 15-15 लाख रुपए लेकर धर्म बदल लिया। सब कुछ गंवा कर ये लोग हिंदू धर्म का साथ नहीं छोड़ते। 1000 किलोमीटर दूर एक नया देश, नई संस्कृति, पुलिस वेरिफिकेशन, इंटेलिजेंस ब्यूरो, FRRO ऑफिस के धक्के खाते हैं, लेकिन ये हिंदू धर्म नहीं छोड़ते। मेरे लिए ये जीते जागते भगवान से कम नहीं है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, मेरा और मेरा छोटा भाई जय अहूजा, हम लोग जो मिलकर निमित्तेकम नाम की संस्था चलाते हैं, हमारे 5 वर्षों की साधना थी किस हिंदू नेता के जाकर हमने उनको समझाया नहीं कि नागरिकता में संशोधन विधेयक जो है वो एक सिविलाइजेशनल नेसेसिटी है अगर पाकिस्तान के और बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाना है। तो 2 मिनट में आपको उसका संदर्भ क्लियर कर देता हूं। CAA क्या था? 1950 में नेहरू लियाकत पैक्ट होता है, पाकिस्तान का लियाकत खान और भारत का नेहरू मिलकर के एक पैक्ट बनाते हैं। उस 1950 में हम एक दूसरे के देश के अल्पसंख्यकों को प्रेफरेंशियल नागरिकता देंगे, क्योंकि इतना समय नहीं मिला था कि भारत के मुसलमान वहां चले जाएं और वहां के हिंदू यहां पर आ पाए। ठीक हो गई बात। 1955 में इसके आधार पर एक इंडियन सिटीजनशिप एक्ट नेहरू और उसके चमचे बनाते हैं। उसमें एक राइडर था कि यह नागरिकता, यह प्रेफरेंशियल सिटीजनशिप केवल उन हिंदुओं को मिलेगी जिनका स्वयं का जन्म या जिनके माता पिता का जन्म अविभाजित भारत में हुआ था, प्री पार्टीशन इंडिया। अब 70 साल हो गए, इन मूर्खों को यह पता नहीं था कि 2 करोड़ बांग्लादेश में, 1 करोड़ हिंदू पाकिस्तान में फंसे रहेंगे और यहां के जो 18 करोड़ है वो कभी वहां जाना चाहेंगे नहीं। ये एक चूचू का मुरब्बा बना के गांधी ने दिया इस देश को, चूचू का मुरब्बा गांधी और उसकी नाजायज औलाद ने, जिसका मूल्य हिंदू चुका रहे हैं। तो इस चूचू के मुरब्बे को हम लेकर गए इस देश के हिंदूवादी संगठनों के पास में कि आप 1955 के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से ये राइडर हटा दें, उसे ओपन एंडेड कर दें, जो भी पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान की माइनॉरिटीज हैं उनके लिए भारत उनका नैसर्गिक घर है, उन्हें आने दिया जाए। हमारी ये मांग थी और ये मांग इन प्रिंसिपल स्वीकार कर ली गई। लेकिन बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ दिसंबर 2019 में, उसके विरोध में शाहीन बाग बैठे, देश में दंगे हुए, अमेरिका की 8 सिटी काउंसिल्स ने CAA के विरोध में प्रस्ताव पारित किए, क्योंकि यह सरकार कभी भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के करुणापूर्ण पहलू को विश्व के सामने रख ही नहीं पाई। हम लोग जो कर सकते थे हमने किया,
और अभी जो 6 महीने पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नोटिफिकेशन आए हैं वो बांझ नोटिफिकेशंस हैं। उनमें एक आर्बिट्रेरी कटिंग ऑफ डेट दी है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो हिंदू आ गए उन्हें नागरिकता। क्यों, क्या क्राइटेरिया है 31 दिसंबर 2014 का? जो 2015 में आया वो उसका क्या दोष है? जब अभी मैं जजराज को सुनता था, बॉर्डर क्रॉस कर रहा था, तब क्या क्या हुआ था, क्या क्या अनुभव किया था जजराज वहाँ पे? बहुत मेरे को खुशी भी, मैं मेरे अपने घर पे जा रहा हूँ, मैं वहाँ से कहाँ हिंदू जो भी जितने हैं बहुत सारे परेशान पीड़ित दुखी परेशान हैं, जो कहने की बात हम क्या रखें आपके सामने। आप बांग्लादेश की भी हालत देख रहे हो, बांग्लादेश से बुरी ज़्यादा ही हालत पाकिस्तान की थी। अभी भी वो दोबारा भी युद्ध छिड़ेगा, जितने भी हिंदू है वो बहुत परेशानी में निकलेंगे। अभी यार डॉक्टर रत्न जैसे साथ सहयोगी बनो, तो जितने भी आपके वहाँ हिंदू भाई हैं उनको अपन निकाल पाएं, डॉक्टर की तरह मदद करो। तो मैं अभी यहाँ पर धर्मवीर करके एक पाकिस्तानी हिंदू है, यहाँ पर मजनू का टीले पे रहता है वो, आज से 2013 में उसका मैंने इंटरव्यू लिया था। मैंने उसको बोला तुम्हें 25 लाख रुपये दें, तुम्हें वापस पाकिस्तान भेज दें। तो उसने बोला सर 25 लाख नहीं, आप मुझे 25 करोड़ देंगे तो भी मैं वापस नहीं जाऊंगा। इस देश की जेल अच्छी है लेकिन मैं उस देश में वापस नहीं जाऊंगा। रिकॉर्डेड स्टेटमेंट मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। कुछ कितना भयानक इन बेचारे हिंदुओं के साथ वहां पर हो रहा है। और मेरी शिकायत किसी ह्यूमन राइट कमीशन से नहीं है, कोई यूनाइटेड नेशंस नहीं है, सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। मेरी शिकायत केवल हिंदू समाज से है। 120 करोड़ का हिंदू समाज यूं रिरियाते मिमियाते भीख मांगता हुआ जिएगा, या अधिकार पूर्वक कहेगा कि ये 3 करोड़ हिंदू हमारे भाई हैं, भारत इनका घर है, सर आंखों पर हम इनको भारत के अंदर लेकर आएंगे। बताइए मुझे ये संकल्प हर हिंदू का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? व्यर्थ तरह तरह के बेतुके लॉजिक ले लेकर आते हैं। लंबा हो जाएगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। 25 अगस्त को रामलीला मैदान में हमारी संस्था निमित्तेकम के माध्यम से हम लोग एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इस सरकार के बांग्लादेशी हिंदू जेनोसाइड के विरोध में। आप सबको मैं हृदय से वहां आमंत्रण देता हूं, अपने साथ एक एक दोस्त को जरूर लेकर आइए। हम भारत सरकार से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को ओपन एंडेड करने की मांग करते हैं, नंबर वन। नंबर दो, बांग्लादेशी हिंदू जेनोसाइड को देखते हुए जो हिंदू भारत आना चाहे उसके लिए बांग्लादेश का बॉर्डर खोला जाए, ये मांग हिंदू समाज इस सरकार के सामने रखता है। इस पर ताली बजनी चाहिए, कम से कम इस पर तो बजा दो, क्योंकि अगर हम बांग्लादेश के हिंदुओं की इस वक्त सहायता नहीं करते, वहाँ बहुत से धनी हिंदू हैं, बहुत से बिजनेसमैन हैं, कपड़ा मिल ओनर्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस भी चलाते हैं, बहुत से धनी हिंदू, वो शायद अपनी रक्षा कर पाएं, लेकिन लाखों हिंदू जो जिहादियों के बीच में फंसे हुए हैं वे भारत आना चाहते हैं। और इस 25 अगस्त की रैली में हम ये जोर डालेंगे कि इन हिंदुओं के लिए बॉर्डर खोल दिया जाए। अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बात कहता हूं, एक बात याद रखना, मैं वानप्रस्थ के अंदर हूं, मैं जिस आयु में, आप सब सन्यासी हो अभी, ब्रह्मचारी हो अभी, सन्यासी नहीं ब्रह्मचारी, सॉरी, वानप्रस्थ का अर्थ होता है वन की ओर प्रस्थान। मेरा मुंह वन की ओर है, पर मैं वन में जाने से पहले मेरे आने वाली पीढ़ी के लिए एक सुरक्षित समाज छोड़कर जाऊंगा, ये मेरा वचन है अपने समाज को। क्यों? क्योंकि मुझे अच्छी तरह समझ में आ गया कि अगर आज मैं अपने हिंदू समाज के लिए नहीं बोलूंगा तो कल मेरे बच्चों के लिए भी कोई नहीं बोलेगा। वो सेइंग थी ना, वो जलते घर को देखने वालों, तमाशा, सर्कस, सर्कसी हिंदू,
सर्कसी हिंदू मत बनना कभी भी जीवन में, बी एन इंटेलिजेंट हिंदू। सर्कस देख करके अपनी चेतना को मत भुलाना। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, किसी और का घर नहीं जल रहा, तुम्हारा घर जल रहा है। एक मूढ़ता का इंजेक्शन तुम्हें लगा दिया, तुम्हें लग रहा है किसी और का घर है, खड़े के वहां तमाशे देख रहे हैं। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुपता, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुपो, अगला नंबर आपका है। ताली मत बजाओ, नंबर आपका गर्दन कटने का है। दिस विथ फुल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं एक पब्लिक प्लेटफॉर्म से बोल रहा हूं। लास्ट 10 ईयर्स रनिंग फॉर द हिंदू समाज, इफ वी डू नॉट यूनाइट एंड मेक आवर प्रेजेंस फेल्ट नाउ, जो बांग्लादेश में हो रहा है वो हिंदुस्तान की गलियों में होगा। आज 14 अगस्त के दिन, 14 है ना आज, एक पागल डॉक्टर आप लोगों को ये कहकर गया था, ये याद रखना, एंड होल्ड मी टू माई प्रोक्लेमेशन। आपने इतने प्रेम से मेरी बात सुनी, इसके लिए हृदय से बहुत आभार। आपको मेरी कोई बात बुरी लगी तो मुझे तोले में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आपको बुरा लगाने के लिए यहाँ पर आया था। हर हर महादेव। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बीएस नायपॉल ने कहा था कि हिंदू समाज में शत्रुबोध का अभाव है, और मेरा मानना है कि हमारा शत्रुबोध कुछ तो आया होगा इनकी बातों को सुनकर के, ताकि हम सही डिसीजन ले सके और उनसे सिंपथाइज कर सके जो हमारे ही थे। वो आज अलग हो गए हैं शायद देश के बाउंड्रीज के कारण, बट वो हमारे ही थे, उनका डिमांड नहीं था अलग देश का, वो तो हमारे थे। और यूं ही एक आर्बिट्ररी इस्लामिस्ट के द्वारा जो डिसीजन लिया गया उन पे उनको अलग होना पड़ा, तो उनको अपना मानना चाहिए और उनके साथ फुल सिंपथी, और अगला नंबर वरना हमारा ही है, इस बात को ध्यान में रखना है। मैं एक अनाउंसमेंट कर दूं कि सर की जो बुक है महाराणाज, वो यूजुअली थाउजेंड ईयर वॉर फॉर धर्मा, महाराणाज अ थाउजेंड ईयर वॉर फॉर धर्मा, यूजुअली जो 500 में मिलती है, आज इस मौके पे 200 ऑफ, यानी कि ओनली 300 में मिल रही है। तो आई होपफुली कि वो पढ़ेंगे और शायद शत्रुबोध कुछ और बढ़े, क्योंकि ज्ञान नहीं हो तो कैसे बढ़ेगा। एंड विल ओपन द फ्लोर टू क्वेश्चंस एंड आंसर्स नाउ, सो अगर किन्हीं को कुछ पूछना हो तो जरूर। एनीबडी? मुकुंद जी, मेरा नाम मुकुंद चतुर्वेदी है और मैं JNU से ही पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि जब हम CA की बात करते हैं तो उनको हम कहते हैं कि भारत में उनको, मतलब जो पाकिस्तान या बांग्लादेश में जो भारतीय हिंदू हैं उनको भारत नागरिकता देने की, लेकिन हमारा जो हिंदुओं का इतिहास रहा है वो कंबोडिया तक फैला रहा है, वहाँ तक के हिंदू मूल निवासी थे, आज वो सीमितता हुआ भारत तक सीमित रह गया हिंदुओं का जो अपना मूल निवास है, लेकिन भारत में भी वो सीमटता जा रहा है। अब भारत में भी लगभग ऐसे 5-6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं वहाँ सिर्फ 2% हिंदू पॉपुलेशन है, कश्मीर में सिर्फ 28% हिंदू पॉपुलेशन बची हुई है, तो कब तक हम उनको नागरिकता भारत में देते रहेंगे उनको सुरक्षा करने की बजाय उन जगहों पे जहाँ पे वो मूल निवासी अभी बचे हुए हैं, जहाँ पे वो धर्म की रक्षा कर रहे हैं। आपने ये प्रश्न बहुत सहजता से किया होगा और मैं आपकी प्रज्ञा पर प्रश्न नहीं उठा रहा, पर यह प्रश्न एक असंवेदनशील और मूर्खतापूर्ण प्रश्न है। आप एक काम करें, मैं आपको 2 करोड़ रुपए देता हूं और 2 आर्म्ड बॉडीगार्ड AK-47 के देता हूं, और मैं हवा में नहीं बोल रहा, मैं आपको करके देता हूं, अब आप कराची शिफ्ट हो जाइए। बहुत आसान होता है बैठ के यहां पर भाषण देना। पाकिस्तान का हिंदू जिस दुर्दशा से, और ये आर्गुमेंट आप तो युवा हो यार, आपने तो सहजता से पूछा है, मैं आप पर इस देश के बुढ़े खूसट ये प्रश्न मीटिंगों में उठाते थे। हमारा यह मानना है जो हिंदू जहां है उसे वहीं पर सशक्त किया जाए,
तुम जहांगीरपुरी में तो सशक्त कर दो हिंदुओं को, तुम कश्मीर में तो सशक्त कर दो हिंदुओं को। ये कितनी असंवेदनशील बात है, भेड़ियों के सामने मरने छोड़ दिया बेचारे हिंदुओं को। हम जैसे कुछ पागल सहायता करना चाहते हैं तो समाज में भ्रम फैला देते हैं, जो हिंदू जहां है उसे वहीं पर रहने दिया जाए। तू जा तेरी मां के साथ, तू जा तेरी बेटी के साथ, तुझे पता लगेगा कैसे जिहादी समाज व्यवहार करता है हिंदुओं के साथ। ये एक मतलब इसको मैं क्या कहूं, शब्द कम पड़ गए मेरे पास। एक आपने 1400 साल में क्या नहीं देखा है, क्या देखना बाकी है इस हिंदू समाज को। कितनी गर्दनें कटने के बाद शत्रु का असली स्वरूप समझेंगे, कितनी बच्चियों की बलि चढ़ेगी। तीन हिंदू बच्चियां तो यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट कह रहा है कुंवारी कन्या को पूजने वाले हिंदुओं, अष्टमी के दिन बुला के करते हो ना पूजा, करते हो कि नहीं करते हो अपने घरों में, वो चने की सब्जी और पूरी और वो सूजी का हलवा। तीन कुंवारी कन्याओं का श्राप रोज लग रहा है हिंदुओं को। किसी सभ्य समाज में 12 साल की 11 साल की बच्ची के साथ ये व्यवहार होना चाहिए? ये समाज जिसकी बात आप कर रहे हैं ये पशुओं से गया गुजरा समाज है। कोई जानवर अपने बच्चे ऑफस्प्रिंग के साथ सेक्स नहीं करता, ये करते हैं। वहीं पे सशक्त कर क्या क्या सशक्त करेंगे, क्या करिएगा? एक दूसरे नेशन में विच इज प्रोटेक्टेड बाय अ सॉवरेन बाउंड्री एंड अ सॉवरेन आर्मी एंड एंड अ बंच ऑफ जिहादी थग्स, एक पिस्टल तो भेज के दिखाइए जरा मुझे उस समाज में। आप मैं देखता हूं मूर्खों को, अभी बांग्लादेश के हिंदुओं का हथियार उठा लेने चाहिए, अब खुद रामगंज से भाग करके बनीपार चले गए। जिस शहर में 95% हिंदू हैं, जयपुर में रामगंज, पूरा रामगंज बामण बनिए खाली करके भाग चुके हैं बेचारे। SC ST के कुछ वाल्मीकि समाज वहां रहता है, बाकी सब भाग चुके हैं वहां से। सशक्त कर लो सशक्त, आपको अपने शत्रु का स्वरूप पता होना चाहिए। आप इसकी इंस्टेंट तो मैं आपको स्कोल्डिंग ही करता रहूं, मैं समाधान बता रहा हूं। इस 3 करोड़ हिंदू को अगर आप भारत में ले आते हो तो जो पॉपुलेशन डेमोग्राफी का रोना सुबह से लेकर शाम तक रोते हो उसमें आपको 10-15 साल की स्टेबिलिटी मिल जाएगी। 3 करोड़ हिंदू अगर भारत में आ जाते हैं तो आप सोचिए आपकी डेमोग्राफिक स्टेबिलिटी हुई कि नहीं हुई, वरना ये तीन करोड़ हिंदू अगले 15 साल में खत्म। फिर खा लेना लड्डू। एक बहुत इनसेंसिटिव, दिस इज नॉट अगेंस्ट यू बिकॉज यू आर अ यंग मैन, यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन। मैं इनसेंसिटिव कह रहा हूं, इस देश की मरी हुई लीडरशिप ये सवाल उठाती है और वहां पर मैं इसी तरह उबाल के उत्तर देता हूं कि अगर आपने अगले 10 वर्षों में पाकिस्तान के हिंदुओं को भारत में नहीं लाए तो आपको 1 करोड़ हिंदू हमेशा के लिए इस धरती से गायब हो जाएंगे। क्या ये प्रपोजल एक्सेप्टेबल है हमें? आपके पास एकमात्र विकल्प है बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं को भारत में, या तो फिर 10-12 साल बाद जब तुम किसी पोजीशन में, देखना एक हवाई जहाज जाएगा C-80, C-84, 80, 280, 40 हिंदुओं को पाकिस्तान से निकाल के ले आना, जैसे अफगानिस्तान से निकाला ना, जो आज से 80 साल पहले तक 14-15% हिंदू था। कितना हिंदू बचे भैया अफगानिस्तान में? 500-600 कुछ। सरदार 28 हवाई जहाज गया था ना, वो गुरु ग्रंथ साहिब सर पे लग के लाए थे ना, नहीं तो उस दिन की तैयारी करो। 1 करोड़ हिंदू बहुत बड़ा नंबर होता है। यूनाइटेड नेशंस में आग लगा दो, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन में इशू उठना चाहिए। कैसे मार रहे हो हिंदुओं को, क्यों मार रहे हो, क्या बिगड़ा है भाई तुम्हारा? तो अगर हम उस इशू को यह देखेंगे कि नहीं इनको वहीं सशक्त करेंगे,
देन एवरीथिंग चेंजेस। तो मुझ जैसे लोग पागल है फिर, इस जैसे। अच्छा इधर आना जिधर जी, भाई साहब ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं ना, हम उनको उनको हथियार भी दे दें, उनको सशक्त कर दें, उनको पैसा दे दें, उनको वहीं पर पावरफुल कर दें, ये संभव है? संभव, हथियार तो उनके पास अवेलेबल अभी भी है, वो चला नहीं फेंकते उनके सामने। यहाँ बगैर हथियार भी हम काम कर जाएंगे, जो भी हमारे को बोलोगे। वहाँ पे हथियार मेरे खुद के घर में पड़े हैं, 87 बोलो, पिस्टल बोलो, रिवॉल्वर बोलो, जो भी। छह भाई हैं, छह भाइयों के पास पड़े हैं, लेकिन हमारे हाथ ऐसे कांपते हैं उठाने के लिए उनके सामने। सो लेट अस बी प्रैक्टिकल। जो सोल्यूशन, मुझ जैसे लोग 15 साल इन्वेस्ट कर चुके हैं इसमें, हमने इस इशू को 360 डिग्री से स्टडी किया है, उसके बाद ये निष्कर्ष हमने निकाला है कि इन 3 करोड़ हिंदुओं को भारत लाने के अलावा हमारे पास में और कोई रास्ता नहीं है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आई होप कि सर की बातों ने हमें अनकंफर्टेबल किया हो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमारा अनकंफर्टेबल होना, ताकि हम कंफर्ट जोन से निकलें और जो ऑस्ट्रिच की तरह सर धसाया हुआ है हमने वो निकालें, वरना यूं ही यहाँ भी होगा। और छोटी 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 आइडेंटिटीज पे लड़ना बंद करें, और यहाँ एक यूनिटी का फॉर्मेशन, यहाँ एक हिंदू आइडेंटिटी का ज्ञान होना जरूरी है, तभी हम उनसे सिंपथाइज कर सकते हैं। यहाँ छोटी छोटी आइडेंटिटीज पे, रीजन पे, रिलीजन और कास्ट पे लड़ते रहेंगे तो अपने असली शत्रु को भूल जाएंगे।